आज का वीडियो बहुत ही अलग है क्योंकि अब तक आप मैं पेंटिंग जो बनाता हूँ वो वीडियो देखते आ रहे हैं, लेकिन इसमें मैं आर्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें ले रहा हूँ तो उसका अनबॉक्स भी करने वाला हूँ। और ऐसे ही मैंने आज ये कलर ख़रीदा, 48 कलर हैं इसमें, शेड हैं इस ब्रांड में। ब्रश मार्कर इस ब्रांड का नाम है, ये बहुत ही अच्छे कलर हैं, इसके रिव्यू भी अच्छे थे इसलिए मैंने इसे परचेस किया। चलिए देखते हैं इसमें कैसा है इसका प्रेजेंटेशन और कैसे ये कलर है, हम खोल के देखेंगे। पैकेट यहाँ से ओपन होता ही है। सॉलिड लग रहा है काफ़ी। और बिल हो गया मेरा, बिल देखते हैं। ये गाइस ये 446 रुपीज़ का है, ये मुझे पड़ा, मैंने अमेज़ॉन से ऑनलाइन मंगाया है। ये देख सकते हैं आप, बॉक्स तो सॉलिड है प्लास्टिक इसका। देखते हैं इसको ओपन करेंगे। ये रैपर निकाल लिए, काफ़ी वेटेड लग रहा है ये। अब देखते हैं इस बॉक्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रश मार्कर बेस्ट फॉर चिल्ड्रन लिखा हुआ है और यहाँ पे है सेफ्टी पेन कैप वॉश इजी फास्ट कलरिंग इजी टू मास्टर। फास्ट कलरिंग तो बता रहा है, इसका एक डिसएडवांटेज भी है, मैं वो आपको आगे बताऊंगा। और नीचे लिखा हुआ है सॉफ्ट हैंड ट्रायंगल इजी ग्रिप वाटर बेस्ट मार्कर। अब इसके बैक साइड में देखते हैं तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है सेफ्टी पेन कैप इजी वॉश फास्ट कलरिंग इजी टू मास्टर। यहाँ नीचे भी एक वार्निंग है, नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन अंडर 3 ईयर्स, मतलब कि ये 3 साल के बच्चे या उससे कम उम्र के बच्चों के लिए ये कलर नहीं है। तो पेरेंट्स ये ख्याल रखें कि ये कलर किसके लिए है। तो चलिए अब बॉक्स के अंदर क्या है देखते हैं। तो ये रहा हमारा बॉक्स, चलिए इसे कहाँ से खुलता है, ये देखिए यहाँ से खुलता है। ये पूरा ब्रीफ केस टाइप है और बहुत ही सॉलिड है। और ये देखिए वाओ, और ये 2 साइड से ओपन होता है। ये देखिए मैं भी घुमाता हूँ, ये टोटल 48 शेड है और इसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बचने वाला है अगर हम इससे हम कोई काम करते हैं, क्योंकि वाटर कलर हम यूज़ करते हैं तो हर एक शेड मिक्स करने की ज़रूरत पड़ता है। और मैंने इसको टेस्ट किया पर्सनली, तो यहाँ पे जो है कुछ पेन की जो निप है कुछ सॉफ्ट है और कुछ की हार्ड है। जैसे मैंने अभी ये देखिए रेड के बाद पिंक लिया ना, ये थोड़ा सॉफ्ट थी, लेकिन हमको जो है हमारे कंट्रोल में भी होना चाहिए कि हम कितनी बारीक लाइन और कितनी मोटी लाइन ले सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रेस करेंगे उतनी मोटी लाइन हमारी नज़र आती है। और भी कुछ शेड चेक करेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नए कलर चेक करूँ जो नए हमारे जो है। और ये डार्क ग्रीन था, ये कैमरे में थोड़ा सा अलग नज़र आ रहा है। ये अब दूसरा कलर लेंगे, कोई उसी लाइन से लेंगे एक, अभी कौन सा रेड देखते हैं। देखिए 2 या 3 नमूने के रेड हैं, ये थोड़ा सा डार्क रेड है ये, और ये सॉफ्ट है, था थोड़ा सा ये पेन थोड़ा सा सॉफ्ट है। और कौन सा है अभी, ये ब्लू ये थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन वो जो कलर है ना उसके अंदर ही हार्ड है और सॉफ्ट है, ये एक दिक्कत हो सकती है थोड़ा। और ये बिल्कुल से नया शेड जो है ये चेक कर रही है, ये भी हार्ड है गाइस, ये मतलब ये सॉफ्ट नहीं, निप जो है उसका स्पंज हार्ड है। और उसके साइड का देखते हैं, ये शेड ये भी हार्ड है थोड़ा सा, बाद में हम जैसा यूज़ करेंगे वैसा सॉफ्ट भी हो जाएगा। और ये ग्रीन वाला देखेंगे, ये देखिए ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट है तो एकदम से मोटी सी इसकी जो है लाइन आ रही है। वैसे शेड तो सारे अच्छे ही हैं, लेकिन मैं आपको जो बिगिनर हैं उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वो वाटर कलर की डिश वाली जो रहती है ना बड़ी, और कलर ये यूज़ करें, ये अभी आपके लिए नहीं है। इसमें आपका टाइम तो बच रहा है, लेकिन आप एक एक्सपीरियंस जो कलर मिक्सिंग करने के बाद हमको जो पता चलता है कि कौन से कलर मिलाने से कौन सा कलर तैयार होता है, आपको ये जो है मालूम नहीं होगा। डायरेक्ट आपको ऑलरेडी शेड मिलते हैं तो वक्त तो बच जाएगा, लेकिन आपको ये एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, तो तब आपको वो प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी तो ये सारा सेट जो है बहुत ही परफेक्ट है और तकरीबन पूरे शेड इसके अंदर हैं। आप कोई लैंडस्केप बनाते हैं या कोई पोर्ट्रेट स्केच करते हैं तो उसके अंदर भी जो है आपको कम नहीं पड़ सकता। और ये वाटर कलर है, मैंने जो बॉक्स लिया था इसमें एक प्रॉब्लम यह हो गया कि ये एक पेन जो है साइड में वो फिट नहीं हो रहा है, उसका जो है सांचा वहाँ पे ख़राब था। बाकी कलर और बॉक्स की बात करें तो ये परफेक्ट है, आप इसको खरीद सकते हैं, ऑनलाइन जो है अमेज़न पे मौजूद है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एग्जाम के अपडेट जानने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि एग्जाम की हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।